नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं यूथ कॉम्पिटेटिव टाइप्स की जो बुक आती है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है SSC GD के लिए, मैं आपको इससे सॉल्व पेपर करा रहा हूं। ठीक है, ये हमारा 8वां सेट है। ठीक है, 8वां वीडियो है और इससे पहले मैंने आपको 7 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसका फ्री PDF भी गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको मिल जाएगा। SSC GD जो बच्चे 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करना है, बाकी क्वेश्चन बाद में करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आप करोगे, 70 से 80% क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे डायरेक्टली। दोस्तों 2021 में ऐसे ही पेपर आएगा तो आप जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं आपको ऐसी वीडियो मिलती है, तो आप वीडियो को हमें सपोर्ट जरूर करें, लाइक करो वीडियो को, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गुरुकुल प्लस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। डेली में आप लोगों के दोस्तों वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आप लोग, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पर आते रहते हैं। साथ ही क्वेश्चन आपका मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, मैग्नस जो कार्लसन में आके कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, बिल्कुल सही। आपको मैं टाइमर भी दोस्तों लाया हूँ, जो बच्चे पहली बार जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। इसका आंसर आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और इसके अलावा दोस्तों, आप पेन और पेपर लेके बैठे, बिल्कुल पेन और पेपर उठा के बैठो भाई, बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठो। और मैं आपको जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे करके मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं लिखे ताकि आप लोग लिखो, है ना। आप पहला क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपका आंसर ए आया, मैंने आपको इसका राइट आंसर बी बताया, तो आपको कट टेस्ट करना है। सेकंड का आंसर, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया ए, मैंने आपको राइट आंसर इसका ए बताया, तो टिक करना है आपको। ऐसा करके दोस्तों 25 क्वेश्चन तक करना है। लास्ट में अपना इसको जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स अपना उत्तर तो देते ही जाओ। ठीक है, इससे आपको पता चलता रहेगा कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा कंपटीटर, उसका क्या स्कोर आ रहा है और आप कितने दूर हो, कितने पानी में चल रहे हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं साथियों। और इससे दोस्तों क्या होता है, जब कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते हैं तो आपका उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपको इंटरेस्टिंग से आप चीज़ें पढ़ पाते हैं। चलो क्वेश्चन देखो अपना, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जल्दी से उत्तर अपना दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैग्नस कार्लसन आके इनमें से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नस कार्लसन बेसिकली आपका बिल्कुल सही, क्या बात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शतरंज हो जाएगा। मैग्नस दोस्तों कार्लसन नार्वे के लिए प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी बेसिकली, इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो ये आपके नार्वे के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, और भारत का जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शतरंज के, वो आपके विश्वनाथ आनंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया गया है? बैंकिंग क्षेत्र में दोस्तों आपके इनमें से किसका उपयोग नहीं किया गया है, बताइए। तो राइट आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्यकाल का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया था, बताइए। आखिर भारतीय संविधान ने किस देश से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया था? तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आयरलैंड से दोस्तों बेसिकली राजनीति के निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। ठीक है, जो कि आपका भाग चार में आता है, भाग चार के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपका बेसिकली राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? आखिर वो कौन सा मंत्रालय जो कि हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? तो वो मंत्रालय का नाम है दोस्तों वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो चरक संहिता पाठ के अनुसार दोस्तों मानव शरीर में बेसिकली आपकी 360 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों चरक संहिता एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार बेसिकली आचार्य चरक हैं। ठीक है, और इसमें इसके अनुसार दोस्तों मानव शरीर में आपकी 360 हड्डियां होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 360 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है, बताओ भाई। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही, क्या बात है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है आखिर इनमें से किस भूभाग का हिस्सा है?
तो वो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है आपका बेसिकली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना लैंड आपका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपका, ये आपका बेसिकली एलोरा की गुफाओं में चित्रित किया गया। ऑप्शन नंबर बी एलोरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आपात घोषित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है, कि वो कौन से का आर्टिकल है। फिर से सुनिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति आपका इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका आर्टिकल 18 के तहत इमरजेंसी आती है, और जो कि इमरजेंसी का आर्टिकल आपका आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 352 की, तो 352 वाला आर्टिकल आपका लगाया जाता है जब युद्ध वगैरह छिड़ जाता है, ठीक है, युद्ध के समय लगाया जाता है। जबकि दूसरा 356 आर्टिकल है, ये आपका लगाया जाता है दोस्तों इमरजेंसी के समय, ठीक है। और तीसरा आर्टिकल जो कि ये वाला होता है नेशनल इमरजेंसी, जब कोई राज्य में राज्य की परिस्थिति खराब हो जाए या राज्य में कोई भी संकट आ जाए, उस केस में दोस्तों आर्टिकल 356 लगाया जाता है। अगर हम आर्टिकल 360 की बात करें, तो आर्टिकल 360 आपका बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जब देश पर दोस्तों जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, उस केस पर दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। अभी तक दोस्तों कभी भी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ये आपका 356 राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है, बताओ भाई। तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है आखिर कोई कौन सी धार्मिक संप्रदाय का है। तो दोस्तों तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये आपका बेसिकली बिल्कुल सही नायनार संप्रदाय का है। एक नायनार दोस्तों संप्रदाय है जो आपकी तमिलनाडु तरफ है, और ठीक है उसका आपका तंजौर मंदिर है, ठीक है। और बेसिकली शैव धर्म का ये प्रचारक शैव धर्म होता है नायनार, नायनार प्रजातियों का ये मंदिर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नायनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब टीवी का जो रिमोट होता है उसमें जो बटन होते हैं, जब आप देखते हैं टीवी, आप कोई भी चैनल लगाना होता है तो आप चैनल लगा लेते हैं, बटन होते हैं, बटन में आके कौन सा हम लोग तरंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, टीवी के रिमोट कंट्रोल में बेसिकली हम लोग साथियों आपका अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी अवरक्त तरंगों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, चलिए बताइए भाई। भारत में दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस आखिर कब मनाया जाता है, फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, चलिए बताइए फटाफट से बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये 29 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संगाई त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए आपका 5 सेकंड का टाइम दिया था, जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चलिए फटाफट से दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दोस्तों अगर अभी तक अपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक फटाफट से करो, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सूरत फ्यूचर में कोई वीडियो मिस ना हो। और साथ ही दोस्तों गुरुकुल प्लस की आप अब ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDF इसकी मिल जाएगी। दोस्तों आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में आप वहाँ पर आपका SSC GD का फोल्डर डाल दूँगा, बना दूंगा, वहाँ पर आपको इसकी सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। संगाई त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो संगाई त्यौहार दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात है, बिल्कुल सही। संगाई त्यौहार दोस्तों आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर का ये प्रसिद्ध त्यौहार है संगाई त्यौहार, जो कि मणिपुर राज्य में मनाया जाता है 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच, 21 से लेकर 30 नवंबर तक मनाया जाता है। चलो भैया अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी, बताइए भाई। केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए आकर कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार जो ऑपरेशन ग्रीन के लिए बेसिकली आपका 500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, 500 करोड़ रुपए की धनराशि की गई थी ऑपरेशन ग्रीन के लिए घोषित, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन के लिए। दोस्तों बेसिकली जो ऑपरेशन ग्रीन था इसका मेन मोटो था कि ग्रीन यानी कि हरा यानी कि दोस्तों कृषि से संबंधित है, आपका कृषक उत्पादन संगठन और कृषि लॉजिस्टिक्स वगैरह से संबंधित था। इनको सुविधाओं को प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट ने 2018-19 में 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी,
बेसिकली कृषक से संबंधित है, यानी जैसे आपको दोस्तों ग्रीन दिखे, ग्रीन यानी कि हरा, हरा यानी कि दोस्तों खेती, तो खेती से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी 500 करोड़ आपका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप, आहार आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पित्तरस और अग्नाशय रस, ये आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों बेसिकली यार मैंने इससे पहले कुछ वीडियो बनाई जिसमें मैंने डिटेल में चीज़ें बताई, तो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं सर इतना डिटेल में आप मत बताइए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए, क्योंकि दोस्तों 90% जब मैंने पोल क्रिएट किया था 80-90% लोगों को मत था कि सर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराइए, इतनी डिटेल में मत कराइए क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। दोस्तों अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स भी प्रोवाइड किया आप लोगों को, तो जो कि आप गुरुकुल प्लस की ऐप पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई जिसमें मैंने डिटेल में चीज़ें बनाई हैं बताई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पित्तरस और अग्नाशय रस राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की लंबी पैदल यात्रा आत्मकथा है, तो स्वतंत्रता की लंबी पैदल आत्मकथा आखिर किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, क्या बात है, बिल्कुल सही क्या बात है। चलो भाई, स्वतंत्रता की दोस्तों लंबी पैदल यात्रा, ये आपकी बेसिकली नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला जो कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही इन्होंने दोस्तों संघर्ष किया था, दक्षिण अफ्रीका के पहले आपके अश्वेत राष्ट्रपति थे यानी काले थे। और इसके अलावा 1995 में इन्होंने ये वाली किताब लिखी थी पैदल यात्रा। ठीक है, चलो भाई ऑप्शन नंबर नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यार थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जो हमारा ई बुक दोस्तों जो टॉपिक का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू को मैंने पहले ई बुक बनाया था जो कि हजारों बच्चों ने लिया है और काफी बच्चों का दोस्तों सब बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस आया है। ठीक है, सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर इसका आप जल्दी से जल्दी कोर्स लॉन्च कीजिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का आपका SSGD का एग्जाम भी आ रहा है, बस 1-1.5 महीने में आपका एग्जाम है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक पूरा कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं दोस्तों बिल्कुल डिटेल में आपको चीज़ें कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बच्चे मैं आपको चीज़ें कराऊंगा, और ये आपका रेलवे ग्रुप डी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा। साथ ही बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए दोस्तों ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और NTPC वालों CVT 2 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ही, जितने भी दोस्तों 10th लेवल के एग्जाम है, SSC MTS हुआ, ग्रुप डी हुआ, और आपका जो आपका रेलवे ग्रुप डी वगैरह एग्जाम हुए और GD वगैरह, इन सब के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट एक कोर्स रहेगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों हम आपसे टॉप 2100 चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, लगभग 2100 क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर वाइज कोर्स रहेगा, यानी क्रैश कोर्स आप इसको समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको 21 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, 21 वीडियो बच्चे हम आपको इसमें देंगे, और बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे, यानी कि मैं बिल्कुल मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी कि दोस्तों आपका आखिरी समय जीत दिला देने वाला एक कोर्स रहेगा, बिल्कुल जीत दिला देने वाला कोर्स रहेगा। बिल्कुल हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, पहले आपको एंशियंट हिस्ट्री कराएंगे, फिर आपको इसका मेडिवल कराएंगे। दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए कोर्स रहेगा, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में कोर्स रहेगा ये, है ना, और फिर आपका मॉडर्न कराई जाएगी, फिर आपको इसका दोस्तों बेसिकली पॉलिटी कराई जाएगी। मतलब दोस्तों स्टार्टिंग से हम लोग पूरा सब आपको एक टॉपिक कराएंगे, और आपका इसमें साइंस भी कराई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर सब आपको कराया जाएगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली दोस्तों आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सब बताएंगे, और साथ ही दोस्तों क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। साथ ही दोस्तों हम लोग आपको टाइमर भी लाएंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग 5 सेकंड का टाइम देंगे। ठीक है, और एक और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों ये सब 5 बुकों का इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मैंने आपको 8th कॉम्पिटेटिव टाइम की दोनों बुक करा दी, और भी मैंने आपको 3-4 बुक करा दी है। दोस्तों अपने आप में अनुभव हो गया कि क्वेश्चन कहां कहां से रेलवे रिपीट करता है, SSC एग्जाम कहां कहां से पूछता है। दोस्तों वही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कोई 8 बार पूछा गया एग्जाम में, कोई 10 बार पूछा गया है, है ना, जो बार बार आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रेलवे ग्रुप डी के लिए, और साथ ही जो SSC GD और MTS वालों के लिए इंपॉर्टेंट कोर्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतिहास थोड़ी ना बदल जाता है, तो ये सभी 5 किताबों का आपको इसको निचोड़ मिलेगा। और भी दोस्तों इसमें बेसिकली बुकें हैं जो कि मैंने ऐड नहीं की है। ठीक है दोस्तों, मैं इतना तो दावा नहीं करूंगा कि बच्चे आप एक कोर्स ले लो कि आपका
45 में ग्रुप डी में 45 से 45 स्कोर कर ले। लेकिन दोस्तों इतना मैं जरूर दावा करूंगा, आप एंड टाइम में अभी देख के जाएंगे तो 70 से 80% आप इजिली स्कोर कर लेंगे जीके में, ठीक है बच्चे। और एक कोर्स आपके लिए यकीन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो बच्चे इस कोर्स की आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी रहेगी लाइफ टाइम, यानी कि दोस्तों आप एक साल देखो, 6 महीने देखो, एक साल देखो, 2 साल देखो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना आप देखना चाहो उतना देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप चाहें तो आप अपने साथ अपनी मैडम को भी, मैडम के साथ भी कोर्स देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप कोर्स लेंगे तो आप अपनी आईडी पर आपकी मैडम भी देख लेंगी, आपकी ऐप पर जो आपका पासवर्ड यूजर आईडी रहेगी उस पर आपकी मैडम भी देख लेंगे, आपका छोटा भाई वगैरह भी देख लेगा, ठीक है। तो लाइफ टाइम दोस्तों इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब आप देखते रहें, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक कोर्स का प्राइस की बात करें तो फीस हम बहुत ही नाममात्र शुल्क हम आपसे इसमें ले रहे हैं दोस्तों, केवल और केवल 499 रुपये का एक कोर्स रहेगा, ठीक है। क्योंकि यार दोस्तों हम लोग क्या है ना, सर्वर का लाखों रुपए चार्ज पे करना पड़ता है, तो यार बहुत ही कम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है। ये समझ लीजिए दोस्तों इस कोर्स में मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, नुकसान ही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति इस कोर्स में है, ठीक है। और दोस्तों एक ऑफर आपका सीमित समय के लिए उपलब्ध है, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं आपने अदर प्लेटफॉर्म पर आपने पढ़ा होगा कि 499 में दोस्तों कोई भी बच्चे कोई भी टीचर लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं देता, दोस्तों हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहे हैं, है ना। और आपको साथ ही दोस्तों इसमें कुछ टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको इसका डेमो भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है भाई आप पोस्ट ले ही लो, बच्चे आप डेमो इसका देखिए, डेमो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गूगल प्लस की जो गूगल प्लस की ऐप है उस पर इसका डेमो डला हुआ है, एक वीडियो डली हुई है जिसको आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तभी ही आप लेना दोस्तों। बाकी लाइफ टाइम है, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, जल्दी दोस्तों हम लोग लाइफ टाइम की जगह पर 6 महीने 1 साल की वैलिडिटी कर देंगे दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप ऑफर का फायदा उठाएं, ठीक है। इसके साथ ही साथ SSC वालों के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज है, SSC वालों के लिए भी मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। ये तो कोर्स SSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और एक दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैंने कोर्स लॉन्च किया है, साथ ही दोस्तों CVT 2 की जो तैयारी करना बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि SSC GK थोड़ा चेंज हो जाती है ना। SSC दोस्तों इस कोर्स में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको सब कुछ कराए जाएंगे। ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स रहेगा जिसमें आपको फटाफट कराएंगे, 10,000 दोस्तों पॉइंटर कराए जाएंगे, 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग आपको इस कोर्स में कराएंगे, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर दोस्तों बुक आती है यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की, जिसमें आपको SSC CGL के क्वेश्चन कराए जाएंगे, CHSL के कराए जाएंगे, CPO के कराए जाएंगे, GD की कराए जाएंगे। GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कोर्स रहेगा, साथ ही MTS के भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन इस कोर्स में कराए जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से कराया जाएगा, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये सब आपको टॉपिक कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस कोर्स की फीस केवल और केवल 499 रुपये है, साथ ही दोस्तों आपको इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम दी जा रही है, ठीक है। लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी है, मतलब आप जिंदगी भर देखें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था बच्चे देखते रहो आप देखें, उसके बाद आपका छोटा भाई, आपका सिलेक्शन हो गया उसके आपका छोटा भाई देख सकता है, आपकी मैडम देख सकती है, कोई भी देख सकता है ना। तो वैलिडिटी दोस्तों इसकी लाइफ टाइम रहेगी। ऑफर भाई बहुत ही सीमित समय के लिए है दोस्तों, बिल्कुल ये समझ लीजिए, बिल्कुल यार इसमें कोई इन कोर्सों में मैं आपको 1% प्रॉफिट मुझे नहीं हो रहा है, है ना। और क्योंकि दोस्तों हम लोग लाइफ टाइम आप देख सकते हैं दोस्तों, लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा हम लोगों को सर्वर का चार्ज देना पड़ता है, तो आपको लाइफ टाइम यहाँ पर वैलिडिटी दी जा रही है। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है दोस्तों, इसकी भी आपकी जल्दी वैलिडिटी रिड्यूस कर दी जाएगी, 6 महीने 1 साल कर दी जाएगी दोस्तों, इसलिए ऑफर का फायदा जल्दी से जल्दी उठाएं, ठीक है। और इसका भी दोस्तों आपका डेमो अवेलेबल है, गुरुकुल प्लस की दोस्तों ऐप है जिस पर आपको डेमो इसका मिल जाएगा, गुरुकुल प्लस की ऐप पर आपको डेमो मिल जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। अगर हम दोस्तों मार्केट की बात करें तो आपको इसमें कंप्लीट कोर्स तो दिया ही जाएगा बच्चे, PDF आपको दी जाएगी, लगभग आप बुक ही 300 रुपये की आती है, 30+ आपको टेस्ट दिए जाएंगे जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं, कोई और नहीं बनाया है, मेरे द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि मैंने यार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर वर्क किया है ना, तो यही बच्चे कोर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएं तो आपको 5-6 हज़ार रुपये में दिया जाता है, जबकि यहाँ पर दोस्तों आपको 499 रुपये में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला कोर्स आप देख सकते हैं, गूगल प्लस की ऐप पर उपलब्ध है, इसका डेमो अवेलेबल है, डेमो आप जाकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लीजिएगा, ठीक है भाई। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राज्यसभा का दोस्तों पदेन अध्यक्ष आखिर कौन होता है, तो राज्यसभा का दोस्तों पदेन अध्यक्ष वो आपका होता है, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के अनुसार आता है,
ठीक है, आर्टिकल 64 के अनुसार दोस्तों उपराष्ट्रपति, और आर्टिकल आपका 89 के तहत राज्यसभा का परिणाम सभापति उपराष्ट्रपति हो सकता है, ठीक है। और इसकी कार्य की जो उपराष्ट्रपति कार्य की सीमा होती है पाँच वर्ष तक दोस्तों कार्यकाल रहता है उपराष्ट्रपति का, ठीक है। और ये आपका राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है, आखिर इनमें से कौन सी, इनमें से दी गई नदियों में से आखिर किसे दक्षिण गंगा के रूप में भी जानते हैं। तो दक्षिण गंगा के रूप में दोस्तों हम लोग बेसिकली गोदावरी नदी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी दोस्तों बेसिकली दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है। और ये आपकी प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है, जिसको हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी दोस्तों गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है एक त्र्यंबक जगह है, त्र्यंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। त्र्यंबक जगह कहाँ पर, त्र्यंबक पहाड़ी जी आपकी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में दोस्तों त्र्यंबकेश्वर मंदिर है आपका, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि शंकर जी का मंदिर है, ठीक है। वहाँ से दोस्तों आपकी त्र्यंबक पहाड़ी से उत्पत्ति होती है गोदावरी नदी की, जो कि 1465 किलोमीटर में है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में लास्ट में मिल जाती है, इसका उद्गम मतलब समाप्ति बंगाल की खाड़ी में होती है, होता है। साथियों त्र्यंबक आपका महाराष्ट्र में आता है और त्र्यंबकेश्वर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर आपका त्र्यंबक पहाड़ी, वहाँ से उत्पत्ति होती है आपकी बेसिकली गोदावरी नदी की। और यहाँ पर दोस्तों आपका शिरडी भी स्थित है, पास में ही आप जाएंगे शिरडी, जो साईं बाबा शिरडी में साईं बाबा भी आपके यहीं पर है, मंदिर है। और यहाँ पर आपका शनि सिंगनापुर भी पास में ही है, ठीक। काफ़ी शानदार जगह है त्र्यंबकेश्वर, है ना। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगा की गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा की गंगा कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका, स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से आके किसने दिया था, बताओ भाई। स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये बात आके किसके द्वारा कही गई थी। बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात है भाई आपका, आप लोगों ने तो गदरा मचा दिया भाई, क्या बात है यार, गजब, बिल्कुल सही क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात बाल गंगाधर तिलक द्वारा कही गई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। तटीय उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम क्या था, चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलिंग। तटीय उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम है कलिंग, ठीक है। और दोस्तों प्राचीन काल में उड़ीसा को हम कलिंग नाम से भी जानते थे, ठीक है। और ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका कलिंग राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री उड़ीसा के आपके नवीन पटनायक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका कलिंग राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फिर से सुनना बात को दोस्तों, उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस देश के प्रेरित है, ठीक है। उपन्यास दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आके किस देश से प्रेरित है, तो ये आपकी बेसिकली बिल्कुल सही भारत से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर भी भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एक प्रमुख स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन, आखिर में से कौन सा प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है, आखिर में से कौन सा प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है, बताओ भाई फटाफट से बताओ आखिर में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसका में होता है, प्रोटीन का एक स्रोत कौन सा है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सोयाबीन। सोयाबीन दोस्तों प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत है। दोस्तों प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं जो कि आपका सोयाबीन है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है सोयाबीन, ठीक है। इसके अलावा साथियों आपका चना में प्रोटीन होता है, आपका अंडा में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है, ठीक है, मांस में प्रोटीन होता है, ये सब आपके प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ये सोयाबीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, बताओ भाई फटाफट से बताओ। चलो राइट आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा घोल की आवश्यकता होती है। दोस्तों प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए बेसिकली कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 की और कास्टिक सोडा की आवश्यकता होती है, CuSO4 और कॉस्टिक सोडा घोल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है, आखिर इन कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया था, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए।
चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही भाई। चलो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है, तो स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है आपका प्रजाति बेसिकली दोस्तों सुनना फिर से बात को, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है, तो प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसको हम स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं, जो कि स्थान में कुछ स्थानों पर पाई जाती हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है उसको हम लोग स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं। तो ये वाला आपका कथन आपका कर रहा है बेसिकली वर्णन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थानिक प्रजाति का मतलब है प्रजाति जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, ये वाला कथन आपका सही है, ठीक है। वर्णन कथन कर रहा है मतलब वर्णन इसके बारे में बता रहा है स्थानिक प्रजातियों के बारे में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आखिर में कौन सा दिन है जो कि मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है, बताओ जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, आखिर निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं हम किसको, दिसंबर 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और ये आपका 10 दिसंबर 1948 से स्टार्ट हुआ था, 1948 में सबसे पहले मनाया गया था मानव अधिकार दिवस, ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर प्रथम बार मनाया था, ठीक है। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों आपके सामने ये रहा, चलो आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते, आखिर में से कौन सा जलीय जंतु होता है जिसमें गलफड़े नहीं होते हैं। चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया था, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। आखिर में से कौन सा जलीय जंतु है इसमें जिसमें गलफड़े नहीं होते हैं, तो गलफड़े बेसिकली दोस्तों भेल मछली में नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी भेल मछली राइट आंसर आपका हो जाएगा। साथियों इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं, बिल्कुल फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाया है, ठीक है बच्चे। और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपके 20+ क्वेश्चन सही हो रहा है बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को, एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, है ना, मोटिवेशन मिलता है इससे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सूरत फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो बच्चे मिस ना हो सके, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने गूगल प्लस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों आप गूगल प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों आपको यहां पर 50,000 रुपए से भी अधिक मूल्य का PDF हुई, टेस्ट सीरीज हुई और भी कंटेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप गूगल प्लस की आपको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ ये सब आपको PDF गूगल प्लस की ऐप पर अभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और भी आपको PDF वहां पर अपलोड कर दी गई है और धीरे धीरे कर दी जाएंगी, ठीक है। और युद्ध की बुक की आपको PDF मिल जाएगी, करण पब्लिकेशन की दोस्तों बुक्स की PDF आपको मिल जाएंगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये सब बुक्स की PDF गुरुकुल प्लस की ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दिए, स्टूडेंट फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। इंग्लिश की आपको बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पर, युद्ध कॉम्पिटेटिव टाइम्स की जो बुक आती है दोस्तों मैथ की रीजनिंग की ये सब बुक्स की PDF भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों ये सब आपको बुक्स मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आपको कुछ मुखर्जी नगर जयपुर और भी जो इम्पोर्टेंट क्लास नोट्स हैं इम्पोर्टेंट जो आपकी दोस्तों पॉपुलर कोचिंग है उनके जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। वो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से चीजें मिलेंगी, देखिए दोस्तों आगे। और अगर अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ रेटिंग का ऑप्शन आएगा, दोस्तों आपको रेट करना है एप्लीकेशन को, 5-स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट से 1% भी प्रॉफिट हुआ हो तो 5-स्टार रेटिंग जरूर दें, रिव्यू करके आज जरूर बताइए कैसी ऐप आपको लगी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑफलाइन डाउनलोड टेस्ट वगैरह बहुत कुछ मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर लाइव पोल भी चलते रहते हैं, ठीक है, क्विज वगैरह भी चलती रहती हैं जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन रहते हैं जो कि मैं डालता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर चलते रहते हैं जिसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में चलती है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से बच्चों का गुरुकुल प्लस के चैनल से 90+ किसी का 80+ स्कोर हुआ है, वो भी आप लोग हमको सेलिब्रेट और टीचर में कर सकते हैं।
ठीक है, अपना आप बता सकते हैं आपके कितने नंबर स्कोर हुए हैं। ठीक है, जीके में दोस्तों आपके कितने नंबर स्कोर हुए हैं आप वो भी बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपको बताता है दोस्तों स्टडी मटेरियल आपको कहाँ पर मिलेगी। बाद वीडियो में आपको यहाँ पर जो आप वीडियो डाउनलोड करेंगे, जो फ्री वीडियो रहेंगे आप वहाँ पर फ्री वीडियो देख सकते हैं बाद वीडियो में। स्टडी मटेरियल में दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी पीडीएफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, करंट पब्लिकेशन, युद्ध की, ये सब पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस नाउ में दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा। ऑफलाइन डाउनलोड में आपको यहाँ पर जो भी आप कोर्स की कोई भी वीडियो डाउनलोड कर दें तो ऑफलाइन डाउनलोड में आपके यहाँ पर डाउनलोड भी हो सकेगी। ठीक है, कुछ इसमें दोस्तों बेसिकली यार इसमें बहुत सारा कंटेंट फ्री है, कुछ हम लोगों ने चार्ज कर रखा है। ठीक है, कुछ कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही नाममात्र शुल्क आपसे लिया जा रहा है ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाएगी, किसी में आपको एक साल की वैलिडिटी दी जाएगी कुछ कोर्स में, है ना, तो आप देख सकते हो। सबका डेमो साथियों अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। और फ्री टेस्ट में आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री टेस्ट मेरे द्वारा बनाए गए हैं जो कि आपके रेलवे के लिए, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप चैट वाले सेक्शन में, चैट वाले में दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो उसका फोटो खींचकर भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियो वगैरह भी हैं यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है ना। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल में दोस्तों जैसे ही आप दोस्तों स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। स्टडी मटेरियल में आपको यहाँ पर क्लास नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी मुखर्जी नगर जयपुर और भी इंपॉर्टेंट जो कोचिंग्स हैं उनके नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश जीएस की दोस्तों बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों जितनी भी गुरुकुल प्लस की जो यूट्यूब चैनल से जितनी भी मैं जो पीडीएफ है सब आपकी ऐप पर डालता हूँ, तो आप ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। ठीक है, वीडियो वाले ऑप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो वगैरह मिलेंगी और भी जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जो आपके मतलब आग लगा दे उस टाइप की आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा रेटिंग जरूर करें, अगर आपको ऐप कैसी लगी तो 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिए। और इसके अलावा दोस्तों मैं अभी स्टार्टिंग में अभी आपको ये सब चीजें दी जाएंगी, धीरे धीरे करके हम और भी आपको चीजें देंगे, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज बहुत कुछ दी जाएगी आपको, है ना। तो रेट करें, रिव्यू करके जरूर बताएंगे कैसा आपको ऐप लगा है। आपको हमारे द्वारा दोस्तों 1% हमारे द्वारा जो कंटेंट है जो मैंने आपको वीडियो दी, अगर आपको 1% ही प्रॉफिट हुआ हो तो रेटिंग और रिव्यू करके दोस्तों जरूर बताइए आपको मेरे द्वारा कितना मदद मिली है। ठीक है, चलिए दोस्तों गुरुकुल प्लस की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, सो दैट आपको इस सब चीजों का फायदा मिल सके।